सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या केस में फैसला सुना दिया है। कोर्ट की अवमानना का यह पूरा मामला था। कोर्ट की अवमानना विजय माल्या ने की थी, उनके वकील तक पेश नहीं हो रहे थे कोर्ट में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 महीने की सजा हम सुनाते हैं विजय माल्या को। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के करीब का जुर्माना भी विजय माल्या पर लगाया है। ऐसे में आप सोचिए कि बेशक छोटा आपको जुर्माना लग रहा हो, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट की अवमानना के मामले में फैसला सुनाया गया है। 4 महीने की सजा भी सुनाई गई है विजय माल्या को। भगोड़ा घोषित किया गया है पहले ही विजय माल्या को, और अब कोर्ट की अवमानना के मामले में उसे फिर एक बार सजा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देश से बाहर ही है विजय माल्या, प्रत्यर्पण के लिए बहुत कोशिशें सरकार ने भी की है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ऐसे में एक और मामले में विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरकार कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा सुना दी है। 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।